गाइज आज हम करने वाले हैं प्रश्नोत्तर, और अगर अंग्रेजी में बोले तो करने वाले हैं Q&A। अच्छा, अरे हाँ भैया, तो चलो भाई। चलो भाई शुरू करते हैं। अरे क्या शुरू करना है, क्या शुरू करना है ये तो बताओ, क्या करना है, ये गाड़ी को हटाना है क्या? चुप। बिल्कुल चुप कलुआ, क्यों ने शुरू करने को बोल रहा हूँ। अरे तो ऐसे बोलो ना, हमको काहे डांट रहे हो बे। अबे कलुआ तुम चुप रहो। नहीं रहूंगा। अबे बोला ना चुप रहो। अरे तो हम भी बोले ना, नहीं चुप रहेंगे। कलुआ सीधे से बोल रहे हैं, चुप हो जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे बुढ़ऊ, मोदी साहब से नहीं कलुआ से गुजारिश करो। अबे हमसे किस बात की गुजारिश करोगे? अबे कलुआ तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ। हाँ चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन बताऊँ? नहीं पहला मत बताओ, तुम दूसरा क्वेश्चन बताओ। दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, मैं पहला ही क्वेश्चन बताऊंगा। और पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर नेम और तुम्हारा नाम क्या है ब्रो? अरे अरे कलुआ भाई, पहला दूसरा तो नहीं समझ में आया, ये तीसरा वाला क्या था? काहे का हुआ, अंग्रेजी नहीं आती क्या? अरे कलुआ भाई आती है लेकिन नहीं आती, मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये था कि तुम्हारा नाम क्या है? तो गाइस रियल नेम बताने से पहले ये देखो, एनएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो गाइस यहाँ पे जो मेरा रियल नेम है वही एनएसटी का फुल फॉर्म भी है, और वो है निशांत। तो चलो कलुआ भाई अगला क्वेश्चन बताओ। रियल नेम आप कहाँ से हो? लव यू। आप कहाँ से हो भाई? आपका नेम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? और आदर्श भाई आपके क्या लगेंगे? तो गाइस नाम तो मैंने पहले ही बता दिया, बाकी मैं रहने वाला हूँ इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य का, और जिला बोले तो प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ तो कलुआ भाई अगला क्वेश्चन बताओ। अबे पहले ही तो बताओ कि आदर्श तुम्हारा क्या लगेगा? तो गाइस आदर्श मेरा भाई है, और कलुआ अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है भाई आपकी एज कितनी है? आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था 100K पर? आपके इतने जल्दी 100K कंप्लीट कैसे हो गए? आपके साथ हमेशा कौन खेलता है? फेस रिवील कब होगा और गेम प्ले वीडियो कब आएगी? तो गाइस पहला क्वेश्चन है कि मेरी एज कितनी है, तो अभी तो मेरी एज जो है वो 17 साल से ज्यादा है और 18 साल से कम है, और वो 18 साल 11 नवंबर को पूरा हो जाएगा। इसका मतलब समझे गाइस, 11 नवंबर को इसका बर्थडे है। मतलब आपको मत सिखा, चल गजब बेइज्जती। अगला क्वेश्चन है कि 100K पर फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो गाइस देखो, अब गांव में 100K हो चाहे 200K हो या फिर 1 मिलियन हो, गांव वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसने तुम्हारे हो गए सब्सक्राइबर। बस उनको ये बता दो कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा आता है यूट्यूब से, तो वो समझेंगे कि हाँ कुछ है। तो अब आप रिएक्शन तो समझ ही गए होंगे, बाकी अगर आगे कोई रिएक्शन होगा तो आप लोगों को जरूर पता चलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि भाई आपके 100K इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो गए? तो गाइस इन सब में सबसे ज्यादा जो महत्वाकांक्षा है, भूमिका है, वो आप लोगों की है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से और मेरी मेहनत से 100K इतनी जल्दी हो गए, बस यही है। और गाइस अगला क्वेश्चन है कि आपके साथ हमेशा कौन खेलता है? तो हम लोगों का एक स्क्वाड है, एक टीम है, हम लोग केवल वीडियो बनाने के लिए ही खेलते हैं, कोई भी उसमें मतलब गेम प्ले वगैरह नहीं करता। और इसमें शामिल है NST कलवा, NST आदर्श, NST विनीत और NST बोट बाबू, और उन सब के साथ में मैं। तो गाइस अगला वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं, उसको आगे लेंगे, और उसके अगला वाला क्वेश्चन है कि गेम प्ले वीडियो कब से आएगी? तो गाइस देखो, मैं गेम प्ले नहीं बनाऊंगा जैसा अभी चल रहा है, मैं फनी वीडियो बनाऊंगा, स्टोरी टाइप वीडियोज, स्क्रिप्टेड वीडियोज, जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा आई होप। तो आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपको फनी वीडियोज मिलती रहेंगी। तो कलुआ भाई सो गए क्या? अगला क्वेश्चन बताओ। अभी कलुआ सच में सो गए क्या? अरे नहीं, अगला क्वेश्चन है आपकी इंस्पायरेशन कौन है? तो गाइज अगर मेरी इंस्पायरेशन की बात करें यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने टेक यूट्यूबर्स को देखा, तो उससे मैंने सोचा कि मैं भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा और यूट्यूबर बनूंगा। लेकिन गाइज उस टाइम पे मेरे पास फोन नहीं था, और तभी पबजी आया था, और उसके कुछ दिन बाद पबजी लाइट भी आया था लगभग 1 साल बाद, और तब मेरे दोस्त लोग खेलते थे तो मैं भी देखता था। लेकिन फोन आया मेरे पास उसके 1 साल बाद, तब मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया, पबजी लाइट की वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। लगभग अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक मैंने लगातार वीडियोस बनाई, लगभग 2-3 दिन में एक, जिनमें मैंने 150 वीडियोस अपलोड कर दी थी, और मेरे हो गए थे 2.2K सब्सक्राइबर। और तब मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था, और फिर 3 महीने बाद शॉर्ट्स का ज़्यादा ही क्रेज था, तब मैंने वापस से फनी शॉर्ट वीडियोस को बनाना स्टार्ट किया। और अभी गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो, 4 से 5 महीने के अंदर 100K हो चुके हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। और बात करें इंस्पायरेशन की, तो मुझे यहां तक पहुंचने में बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा है, और उस हार्ड वर्क की इंस्पायरेशन मेरे मम्मी और पापा हैं। मेरे हार्ड वर्क और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से इतनी जल्दी 100K हो गए, उसके लिए गाइस आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो कलुआ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको कभी लगा कि यूट्यूब बंद कर देना चाहिए?
तो गाइज अगर बात करें YouTube बंद करने की, तो हाँ मुझे बीच में एक बार ऐसा लगा था कि YouTube बंद कर देना चाहिए, जब नवंबर 2020 में मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद केवल 50 से 60 व्यू आते थे, तो मुझे लगा कि YouTube बंद कर देना चाहिए। इसीलिए मैं 3 महीने तक कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया था। फिर मैंने 3 महीने बाद वापस से YouTube को स्टार्ट किया और वहाँ पर मैं केवल शॉर्ट्स वीडियो ही बनाता था। लगातार 4 महीने शॉर्ट वीडियो रेगुलर पोस्ट करने के बाद मेरे वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुए और अभी हम लोग 150,000 की फैमिली हो चुके हैं। तो कलुआ अगला क्वेश्चन बताओ। अरे यार अगला क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है। अबे कलुआ तुम क्वेश्चन बताओ, खतरनाक मत देखो, क्वेश्चन बताओ। तो अगला क्वेश्चन सुनो कि गर्लफ्रेंड कितनी है। कितनी मतलब? और यही नहीं, आपकी कितनी जीएफ और एक्स हैं? और इतना ही नहीं, क्वेश्चन का भंडारा देखो, आपकी कितनी जीएफ है, आपने यूट्यूब कब ज्वाइन किया था, आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है, प्लीज आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो गाइस अगर बात करें जीएफ की, तो ऐसे कौन पूछता है कि कितनी है, पहले ये तो पूछना चाहिए कि है कि नहीं है। अरे अरे वो भी क्वेश्चन है, तेरी जीएफ है क्या? हाँ तो गाइस देखो ऐसे पूछना चाहिए। तो गाइस अगर अब बात करें जीएफ की, तो वो नहीं है, और अगर होती भी तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता, मैं कहीं कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे बोल रहा होता कि चलो भाई म्यूजिक। मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा जानू, मेरे बाबू ने खाना खाया। नहीं तू नहीं, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो गाइज अगर अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मैंने यूट्यूब कब ज्वाइन किया था, तो मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था 26 जून 2018 को, तभी मैंने पहली वीडियो भी डाली थी, लेकिन वो सभी अब डिलीट हो चुकी हैं। और मैंने पबजी लाइट की वीडियो अप्रैल 2020 में डालना स्टार्ट किया था और बीच में क्विट किया था और वापस से अप्रैल 2021 में स्टार्ट किया था और अभी तक चल रहा है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है, तो ये जानने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं स्टोरी पे लगा दूंगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो चलो कलुआ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अरे यार अगला क्वेश्चन तो मेरा ही है, तो चलो पहला क्वेश्चन है कि मेरे सभी क्वेश्चन फनी है, तो कृपया फेफड़ों और दिल पे ना लें। अरे फेफड़ों पे कौन क्वेश्चन लेता है, चल क्वेश्चन पूछ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि अपनी लाइफ के 5 सबसे फनी मोमेंट्स बताओ। अबे साले कलुआ इतने बड़े बड़े फनी मोमेंट्स है, मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, वो सब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया करूंगा। तो गाइस अगर आप लोग भी देखना चाहते हो, तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फॉलो करो, लेकिन पहले वीडियो देखो पूरा। चलो अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि शादी होने के बाद हिलाओगे कि नहीं। इसकी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोडा। अरे जायरो जायरो पबजी का। तो गाइज कलुआ कुछ ज्यादा ही एडवांस हो रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। और वैसे भी गाइज कोई कुछ भी बोले, हम हिलाना थोड़ी छोड़ देंगे। बड़ा हरामी हो। अरे बुढ़ऊ हरामी कहाँ से हो गए, जायरो स्कोप की बात कर रहे हैं हम। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉग कब से बना रहे हो। तो गाइस अगर बात करें ब्लॉग की, तो सिल्वर प्ले बटन आने के साथ में स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत ही जल्दी ब्लॉग भी आना शुरू हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हमको भूलोगे तो नहीं। कौन कलुआ, कौन हो भाई तुम? तो गाइस अगर बात करें कलुआ को भूलने की, तो कलुआ को तो मैं जानता ही नहीं, तो भूलूंगा कैसे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कौन हो बे तुम? अबे ओए 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 साले किसे कह रहा है बे? अगर तू मुझे गलती से भी भूल गया ना, तो कान में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। अरे अरे कलुआ भाई 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 अगला क्वेश्चन बताओ यार। अगला क्वेश्चन है कि फेस रिवील कब कर रहे हो, फेस रिवील कब करोगे, फेस रिवील करो जल्दी। तो गाइज इतने सारे मैसेज क्यों, बोलो। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है गाइज नहीं रहा जा रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ जल्दी से, इंस्टाग्राम पर चेक करो, वहाँ पर मैंने फेस रिवील कर दिया है। और हाँ अगर फॉलो करना चाहो तो फॉलो भी कर लेना। और अगर नहीं करेंगे तो क्या करोगे? अरे कलुआ वही करेंगे जो तुम, अगर हम तुमको भूल जाएंगे तो करोगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो? अरे हाँ हाँ समझ रहे हैं, सब लोग समझदार हैं। तो गाइज यहाँ पे क्यूने खत्म होता है अपना, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम लोग मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।